तो दोस्तों बाहुबली स्टार प्रभास के पास इन दिनों फिल्मों के लाइन लग चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस साल प्रभास की पहली फिल्म राधे श्याम रिलीज होगी, जिस फिल्म में उनके साथ पूजा हेगड़े नजर आएगी। इसके अलावा दोस्तों प्रभास इस वक्त अपने दो बड़ी फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं। पहली तो है आदि पुरुष, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं ओम रोथ। वही दूसरी फिल्म है सलार, जिस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं KGF चैप्टर 2 के डायरेक्टर प्रशांत नील। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि प्रभास की राधे श्याम, आदि पुरुष और सलार के अलावा एक और बड़ी फिल्म है प्रभास 21, जिसे डायरेक्ट करने वाले हैं नाग अश्विनी। और इस फिल्म में प्रभास के साथ दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन नजर आएंगे। तो दोस्तों जहां प्रभास के पास पहले से ही 4 फिल्में कंफर्म है, ऐसे में प्रभास के पास एक और बड़ी फिल्म आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद बहुत ही जल्द एक नई फिल्म का अनाउंसमेंट करने वाले हैं, जिस फिल्म में लीड हीरो होंगे प्रभास। तो दोस्तों इस फिल्म से जुड़ी यहां पे 2-3 नई बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बता दें कि सिद्धार्थ आनंद और प्रभास की जो फिल्म है, इस फिल्म के लिए जिस हीरोइन को फाइनल किया गया है वो बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी हीरोइन है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रभास के साथ सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में हमें देखने को मिल सकती है कैटरीना कैफ। तो दोस्तों एक तरफ कैटरीना कैफ और दूसरी तरफ प्रभास, अगर इनकी जोड़ी एक फिल्म में आती है तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर देगी। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि सिद्धार्थ आनंद और प्रभास की फिल्म की कहानी के बारे में भी इतना पता चला है कि फिल्म पूरी तरह से एक एक्शन पैक्ड फिल्म होगी और इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले हैं यशराज बैनर। तो दोस्तों प्रभास और कैटरीना कैफ की जोड़ी अगर सिद्धार्थ आनंद की फिल्म में साथ आती है तो दोनों की जो केमिस्ट्री है उसे देखने में एक अलग ही मजे आने वाले हैं। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि सिद्धार्थ आनंद, प्रभास और कैटरीना कैफ की जो फिल्म है, इस फिल्म को हिंदी और तेलुगु में एक साथ शूट किया जाना है और फिल्म को तमिल, मलयालम और कन्नड़ा में डब करके पैन इंडिया रिलीज किया जाएगा। हालांकि दोस्तों फिल्म की जो शूटिंग है वो कब से स्टार्ट होगी और फिल्म को रिलीज कब किया जाएगा, इसके बारे में अभी कोई ज्यादा जानकारी हमारे पास नहीं आई है। लेकिन दोस्तों प्रभास की इस फिल्म से जुड़ी और भी कोई बड़ी अपडेट आती है तो मैं आपको अपने चैनल पर वीडियो बनाकर जरूर बताऊंगा। तो अगर आप भी प्रभास के फैंस हैं और प्रभास की फिल्मों से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर सबसे पहले देखना चाहते हैं तो आपके अपने इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करें।